हे एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो गाइस, आप लोगों ने पिछले वीडियो पे देखा था कि हमारे साथ कुछ पंगा हुआ था। वो ये कि हम लोग गए थे एप्पल का मैकबुक लेने, लेकिन वो हम लोग को मिला नहीं था। ठीक है, किस्मत ही सही नहीं था। तो वहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि मैंने वहाँ पे ऑर्डर देकर आया, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा एप्पल स्टोर पे वो वाला मॉडल नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए था। तो दोस्तों उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन मैं गया था लेने के लिए, उस दिन दो सब्सक्राइबर्स मिले थे मुझे बैंक मोड़ धनबाद में। तो उन्होंने, उनमें से एक सब्सक्राइबर का जो है खुद का ही शॉप है, और जो है मतलब उनके पास एप्पल का भी सारा प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, फ्रेंचाइजी है उनका। तो उन्होंने बताया कि मनोज भाई, अगर आपको लेना है तो आप लोग मेरे शॉप पे आप आ जाइए, आपको मैं दे दूंगा। तो उनसे मेरा बात हो चुका था। तो आज मैं एक दिन के बाद फिर से जा रहा हूँ बैंक मोड़, और उनके शॉप पे जा रहा हूँ। अब देखता हूँ कि वहाँ वो मॉडल मिलता है या नहीं। उन्होंने तो बताया कि सब कुछ मिल जाएगा, सारा मॉडल मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं, वहीं पे जा रहे हैं। तो उससे पहले अभी जा रहे हैं अविनाश के घर। अविनाश को गूगल टेक्स वाला जो है उसको लेंगे, फिर उसके साथ फिर चलेंगे वहाँ, क्योंकि अविनाश का भी थोड़ा काम है, उसका कैमरा का यूवी ग्लास ये सब लगाना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वो मॉडल मिलता है या नहीं। तो ब्लॉग आज का इसी पे है, मैकबुक प्रो परचेज करना है, और आप लोग दिखाते हैं कौन सा मॉडल मैं लेने वाला हूँ, कितने इंच का, कितने जीबी का, सारा डिटेल मिलेगा। तो वीडियो पे बने रहिए, उम्मीद करूंगा अच्छा लगेगा, और चैनल पर नया दिया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस, ये है अविनाश के घर जाने का रोड कुछ इस तरह से। गाइस, तो फाइनली अविनाश फिर से मेरे साथ। तो आज को हो जाएगा ना, आज उस दिन लगता है कि 99% चांसेस है कि लैपटॉप मिल जाएगा। मतलब एक चीज बताओ, हम लोग कितना कैसा जगह में रहते हैं कि हम लोग को मतलब अगर कोई चीज इच्छा भी है लेने का वो मिलता नहीं है टाइम। वही चीज कभी सोच कर अंदर से मतलब कितना खराब लगता है। और अगर हमें कुछ अपना छोटा सा जरूरत का अगर चीज चाहिए होता है तो इतना ज्यादा कष्ट करना पड़ता है। बहुत बहुत, यहाँ पे एप्पल स्टोर ये सब है नहीं, सिर्फ एक यहाँ पर फ्रेंचाइजी है जो कि मंगवा के देता है। अगर मैं आज बोलूँ तो दो दिन बाद मिलेगा या तो एक सप्ताह बाद मिलेगा, और वो भी एडवांस चाहिए, और एडवांस देना होता है। उसके बाद लॉकडाउन में तो मिलने का चांसेस ही नहीं है। वो रहा है, होगा ही नहीं, अभी नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ सीन था। तो चलिए चलते हैं, अभी एक जो सब्सक्राइबर मिला था उसी ने बोला था कि उनका दुकान है, तो चलिए वहाँ पर शॉप पे चल के देखते हैं क्या। अच्छा, वो सब्सक्राइबर ही मिले, चलो नाम का कुछ फायदा हुआ। तो आज तो उम्मीद है कि मिल जाएगा, इतना भी किस्मत नहीं खराब होना चाहिए। कल तो रिटर्न आए थे, और ये पार्ट टू, सेकंड पार्ट टू ब्लॉग है। तो चलिए चलते हैं, चल रहे हम लोग, ये देखिए चल रहे कि दौड़ रहे हैं। अच्छा, गाड़ी लेके जा रहा है हम लोग। अच्छा, ये भी नहीं पता था। स्वामी यहाँ पे स्मार्ट बन गया, चश्मा लगा के। और दोस्तों यहाँ पे कोरोना जैसे एकदम देखिए एकदम खत्म हो गया है, जैसे वर्ल्ड कप जीत गया भारत। सब बाहर घर में निकल के एकदम कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं। और हम लोग का मास्क यहाँ गाड़ी पे है, जब निकलेंगे तब लगा के निकलते हैं। ठीक है, सैनिटाइजर लेके घूम रहे हैं, देखिए सारा चीज एकदम लेके, फुल प्रोटेक्शन। तो कुछ इस तरह की बात है। तो चलिए अभी पहुँचते हैं जल्दी से वहाँ पे। फिर दुर्भाग्य मतलब भाग्य हमेशा रहता हम लोग। 1005 क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्डर करना पड़ा, आज नहीं मिलेगा, एक दो दिन के बाद मिलेगा। ऑर्डर कर दिया, ये रहा बिल बन रहा है। आईफाई आईजी रिप्लेसमेंट 4GB 256GB चार दिन बाद मिलेगा यार। और एडवांस पे कर किया जा रहा है, एडवांस पे कर 4GB 256GB 1.5 लाख का एडवांस देगा। दो दिन के बाद मिल जाएगा, फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे क्या मॉडल है, क्या और अनबॉक्सिंग रिव्यू सब कुछ मिल गया, क्या क्या हुआ, अब क्या कर सकते। चलिए अभी इतना मतलब डेल में मिलेगा, कंटिन्यू बने रहिए, देखते हैं क्या होता है, क्या ही सो गाइस, चलिए आज की इस ब्लॉग को फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने वहां पर ऑर्डर देकर आया था मैकबुक के लिए, क्योंकि वहां अवेलेबल था नहीं। तो फ्रेंड्स, आज दो दिन बाद वहां से कॉल आ चुका है और बोला गया है कि आपका मैकबुक आ गया है। तो अभी फाइनली गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मैकबुक लेने के लिए, और मेरे साथ जाएगा अमित, और अमित के घर पे ही अभी है, ये है उसका रूम, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अभी चलिए हम और अमित यहाँ से निकलते हैं बाइक से, क्योंकि आज मेरा कार है नहीं, कार लेके गया है भाई। तो अभी बाइक से हम लोग चलेंगे धनबाद, और जाकर के मैकबुक को लेना है और घर आना है। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग में।
फाइनली आ चुके हैं हम लोग उस शॉप पे, रहा अमित। और यार क्या बताऊँ, क्राउड क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा देख सकते हो। लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे लॉकडाउन है या फिर कोरोना है, कोई इफेक्ट नहीं। तो दोस्तों फाइनली हमारा मैकबुक आ गया है, आप लोगों को सारा डिटेल बताएंगे क्या है, फीचर्स क्या है नहीं है। 8512 टच बार, ठीक है, i5 ठीक है, फीचर देख रहे हैं 512 है ना, SSD 8GB रैम, i5 प्रोसेसर। तो मॉडल नंबर बिलवा निकालना बोला। तो दोस्तों ये हो रहा हमारा मैकबुक अनबॉक्सिंग। मैकबुक प्रो 13 इंच, स्पेस ग्रे, ये खुद से ऑन हो जाएगा या पता नहीं। फिंगरप्रिंट टच बार, ये आ गया इसका सारा सेटिंग। तो एवरीवन फाइनली मैं आ गया हूँ घर पर, ठीक है, कल ही आ गया था, ये एक दिन बाद फिर से वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन मैंने सोचा कि पहले लैपटॉप को चला लेता हूँ, मैकबुक को, उसके बाद मैं अच्छा से बता पाऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि मुझे भी एप्पल का लैपटॉप मैंने कभी चलाया नहीं था। तो गाइस ये देख सकते हो फिलहाल मैं अभी इसको यूज ही कर रहा हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बेसिक चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इसमें क्या है नहीं है। चलिए तो दोस्तों ये रहा लैपटॉप, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि ये है एप्पल का, यहाँ पे लोगो देख सकते हो। सबसे पहला बात कि विंडो में आप लोगों को क्या होता है कि शट डाउन करके रखना पड़ता है, आप कभी भी यूज करते हो शट डाउन करना होता है फिर ऑन करना होता है, लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ इस तरह से ढक देते हो तो ये स्लीप मोड में चला जाता है, और फिर इसको जैसे ही ओपन करोगे ये खुद से ऑन हो जाएगा, ये देख सकते हो। तो इस तरह से आप सिर्फ इसके इस वाले को नीचे करके आप आराम से रख सकते हो, और बैटरी आपका जो है डाउन नहीं होगा, जितना है बैटरी उतना ही रहता है, ऐसा नहीं कि आप इसका ऑन करके रख दोगे तो आपका बैटरी ये कर ले ड्रेन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहला बात तो ये, बाकी यहाँ देख सकते हो यहाँ पे मैजिकल कीबोर्ड दिया हुआ है, जिसमें क्या है कि इसमें आवाज़ नहीं करता है, पहला वाला जो ओल्ड मॉडल मैकबुक था उसमें आवाज़ करता था बहुत ज़्यादा कीबोर्ड पे। और ये रहा इसका टच बार, जहाँ से आप सारा कंट्रोल कर सकते हो इसमें, जैसे यहाँ पे आपको ब्राइटनेस साउंड बढ़ाना है तो ये देख सकते हो साउंड के लिए यहाँ पे है, उसी तरह यहाँ पे ब्राइटनेस के लिए दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ से ब्राइटनेस इसका अप डाउन कर सकते हो डिस्प्ले का। तो ये सारा फीचर्स जो है आपको यहाँ पे टच बार पे मिल जाता है, बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, रेटिना डिस्प्ले है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, आप जिधर से देखोगे 360 डिग्री, सॉरी जिधर से भी देखोगे वहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं इसका स्पीकर की साउंड सुनाता हूँ किस तरह का है। तो सबसे पहले तो बात इसका देखिए एनिमेशन किस तरह का आता है, देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ये देख सकते हो इस तरह से। तो ये मैंने खोला सफारी और ये रहा यूट्यूब, चलिए इसके मैं एक सॉन्ग प्ले करके मैं आप लोग इसका साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। यहाँ एक स्पीकर है, इधर एक स्पीकर है, तो फ्रेंड्स देखिए ये फ़ोन का स्पीकर साथ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट इसका साउंड क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं इसका टच बार से जो है सारा कंट्रोल हो जाता है, जैसे इस सॉन्ग को मुझे थोड़ा सा पार करना था ये देख सकते हो, स्किप करना है तो आप यहीं से कर सकते हो, बाकी इधर से तो साउंड है। और मान लीजिए मेरा 2 पेज ओपन है सफारी पे, तो दोनों पेज पर अलग अलग पेज पर जाना तो बस क्लिक करना है पेज चेंज हो जाएगा, ये देख सकते हो। और मान लीजिए मुझे डायरेक्ट कुछ खोलना है तो यहाँ पे देख सकते हो सारा टच बार पे ही दिख रहा है कि क्या क्या खोलना है। टच बार देखने में बहुत ज़्यादा लुक कूल लगता है, मैं लाइट्स ऑफ करता हूँ फिर आप लोगों को पता चलेगा, थोड़ा लाइट ऑफ कर देखना
फ्रेंड्स कितना अच्छा लगेगा ये देखने में। सो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसका टच बार का क्वालिटी देखिए कैसा दिख रहा है, गजब का दिखता है ये। जब आप रियल आंखों से देखोगे सामने से तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ बेसिक डिटेल जो कि मैंने बताया आप लोग को। सो गाइज कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया इस मैकबुक के बारे में कि इसमें ये फीचर है। बाकी आप लोगों को फुल डिटेल रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग आप लोगों को जो है मेन चैनल मनोज दे चैनल पर मिल जाएगा, जिस पर मैंने बना हुआ है, सिर्फ एडिट करना है डालना है। तो इस ब्लॉग को उम्मीद करूँगा आज का ये आप लोगों को पसंद आई है, और आप लोगों के लिए सबसे पहले तो थैंक यू कि इस तरह का सपोर्ट कर रहे हो, ताकि जिस वजह से मैं ये आज एक और सपना था ये भी कि चलिए मैकबुक भी ले लेता हूँ, तो फाइनल ले लिया और अब इसी से एडिटिंग करूँगा, क्योंकि इसमें एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है फाइनल कट प्रो। तो उससे बहुत अच्छा क्वालिटी का एडिटिंग आप कर सकते हो अपने किसी भी वीडियोज को। तो चलिए आज की इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो या सब्सक्राइब जरूर कर लेने। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।